चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। मुकेश कुमार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। मुकेश जी बताइए। हाँ नमस्ते नीरज सर। जी नमस्कार। मैंने CDSL 30 शेयर ले रखे हैं 1368 रुपए के भाव में। 1368 पे CDSL, जी 1000 रुपये चल रहा है अभी। क्या मूड है आपका? छह महीने रुक सकता हूँ सर। बस गवर्नर साहब, 6 महीने में हाँ CDSL का क्या होगा? CDSL मुझे ये तो बहुत NSE में दिक्कत। मिलेगा गवर्नर साहब आपको ये? हाँ मैंने एनएससी भी देखा, मैंने मनी कंट्रोल का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है कि CDSL BSE वहीं देखता हूँ, हाँ कभी मुझे कोड नहीं मिलता तो ढूंढ लेता हूँ। CDSL के चार्ट पे लगता है जो 2 लेवल 900 के आसपास देखा है वो बॉटम आउट हो चुका, अब वो मिलना चाहिए। अब आप होल्ड कीजिए, आप ऐसी जगह पर है यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल गया, अभी 1000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मुझे फिर नेक्स्ट जगह लगता है टारगेट उसका 1200, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए CDSL। 1200 में थोड़ी रेसिस्टेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, तो वहां पर क्या बुक कर सकते हैं, फिलहाल तो मुझे ठीक लगता है होल्ड CDSL। CDSL होल्ड करिए। चमन जैन का एक सवाल लेते हैं, इन्होंने मजेदार सवाल है। बैंक निफ्टी की इन्होंने 42400 की कॉल ली है, 200 कितने, 260 रुपये की शायद, अगले हफ्ते की है सर। तो हाँ बैंक निफ्टी, हाँ 260 रुपये अप्रैल एक्सपायरी है, मतलब अगले हफ्ता, 42400 की। और ये इन्होंने एक मजेदार बात ये बताई है कि नौ जैसे जब पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि 9 दिन मार्केट चला, तो इनको डर लग रहा है क्या 9 दिन अगले गिरेगा क्या, और नेक्स्ट वीक की कॉल है इनकी। ये रूल नहीं है कि 9 दिन ऊपर गया तो 9 दिन नीचे आएगा, ये रूल नहीं है। मुझे लगता थोड़ा नीचे आना था वो आ गया है तो ठीक है, लेकिन यहां से एक फिर एक अपू मिलना चाहिए। अब इनका होप है सिर्फ रिलायंस के इंडस्ट्रीज पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नतीजे अच्छे आ जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो बैंक का भी असर आएगा उस पर, बैंक भी ऊपर जाएगा तो इनकी जो 42400 की कॉल है वो सीख रहेगी। फिलहाल आउट ऑफ द मनी है तो मेरे ख्याल से वो कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट मिल सकती है उनको, तो इनको अभी क्या कह सकते, पूजा देखते हैं कीजिए, क्या है, नारे फोड़ दीजिए, उठ लीजिए, आईसी से रिलायंस बैंक अच्छा नतीजा दे देगा तो इनका काम बन बस जाएगा। अच्छा बन जाएगा। अगर ओबेरा रियल्टी का चार्ट खोलिए जरा, स्टॉक कमज़ोर है आज, बिजनेस अपडेट के बाद से इसमें और दबाव देखने को मिल रहा है, रियल एस्टेट में भी कमी है, एक्चुअली कमज़ोरी आ गई है। तो कैसा लग रहा है आपको ओबेरा रियल्टी? थोड़ा डिप पॉसिबल है, 800 का जोन पॉसिबल है लोअर लेवल पर, वहां पर सपोर्ट है, एक्चुअल रियल सपोर्ट 700 के आसपास है, लेकिन मैं नहीं कहता कि 700 आएगा। अब कंसोलिडेशन मोड पे है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, थोड़ा डिप पॉसिबल है, थोड़ा डिप 820 800 तक ले आ सकता है, वहां पर सपोर्ट होल्ड करना चाहिए ओवर रियलिटी का। ऐसा ही लग्जरी बना हाउस बनाने वाली कंपनी DLF, उसमें क्या लग रहा है? हाउस बनाने वाली कंपनी DLF, वेल DLF में भी थोड़ी डिप है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, 405 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 370 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर सपोर्ट मिलेगा। DLF वीक शॉर्ट टर्म। DLF में वीक चार्ट है। दीपक मिश्रा जानना चाहते हैं महिंद्रा हॉलीडेज ट्रेडिंग के लिए, गवर्नर ट्रेडिंग के लिए है क्या महिंद्रा हॉलीडेज? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।